इस वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान में क्रैश हुए MiG-21s के बारे में। एक तरह का ये रेंट वीडियो रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे दो पायलट ने अपनी जान गंवाई है, तो इनको लेकर जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसकी होगी उस पर हम बात करेंगे। सो MiG-21 का क्रैश होना कोई नई बात अब नहीं रह गई है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो इसकी एयर फ्रेम लाइफ है उसको ये ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका है। इसके लिए जो एक रिप्लेसमेंट है वो भी बनाया जा चुका है जो कि तेजस के रूप में है। तो तेजस के बनाने के पीछे जो टाइम स्पेन लगना और बन जाने के बाद इंडक्ट ना होना, इन सभी के पीछे जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। चाहे वो आप IAF के लोग हों, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हो। तेजस के डेवलपमेंट के टाइम पे आपसे सही से फंड ग्रांट नहीं होते हैं, वहाँ पे आप फाइल्स के ऊपर बैठ जाते हो, जिसका नतीजा ये होता है कि जो डेवलपमेंट में टाइम है वो ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जब वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला होता है, पहली फ्लाइट भी हो जाती है 2001 में, उसके बाद भी आपको उसको IOC और FOC देने में 8 से 10 साल लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए नियर परफेक्ट फाइटर जेट जिसमें कोई भी शॉर्ट कमिंग ना हो। तो ऐसी चीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है किसी दूसरे प्रोग्राम में बाहर देशों में। वहाँ पे उनके किसी प्रोडक्ट में अगर शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चीन की बात कर लेते हैं, तो पहले जो इंडक्शन है वो किया जाता है और ब्लॉक बाय ब्लॉक और स्टेज बाय स्टेज जो शॉर्ट कमिंग्स है वो निकाली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, प्रोडक्ट आपको नियर परफेक्ट चाहिए पहले ही वेरिएंट में और उसी के रिजल्ट के रूप में जो इंडक्शन है, देन आफ्टर जो दूसरे प्रोग्राम है वो डिले होते हैं। क्योंकि किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आप तेजस को MiG-21 से ऊपर ही रखोगे, क्योंकि आप MiG-21 से क्या कर रहे हो, तो वो काम तो आपका तेजस भी कर सकता है। इनफैक्ट जो तेजस है वो BVR और WVR दोनों को फायर कर सकता है। तो MiG-21 से ये बहुत कैपेबल फाइटर है। अगर आप 2013 की ही बात करते हो, 2014 की, तो उस पॉइंट इन टाइम पे भी मैं MiG-21 से इसको आगे रखूंगा। अगर जो आपका IOC और FOC है वो जल्दी हो गया होता तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन में जाने का टाइम है वो भी इसको कम लगता। लेकिन नहीं, दूसरी तरफ आपको उसी टाइम पे जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है वो भी चाहिए थी। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो कि शॉर्ट कमिंग के नाम पे दिखाई गई थी तेजस में, वो इस प्रोग्राम को डिले करने के लिए ही थी, ताकि जो आप पैसे वो बचा सको MRFA के लिए। हालांकि MRFA और लाइट कॉम्बैट फाइटर दोनों अलग कैटेगरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट है वो आप किसी और चीज के लिए रख रहे हो। आपके पास मौका था कि एक बड़ा ऑर्डर करके तेजस Mk-1 का ही, जिसके अब आप 2 स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहे हो, तो उसे का ही जो फॉलो अप ऑर्डर है वो आपको देना चाहिए था। एटलीस्ट 40 और Mk-1 को ऑर्डर करना चाहिए था और आपको HLP प्रेशर डालना चाहिए था कि जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी को लेना देना ही नहीं है MiG-21 को रिप्लेस करने से, तभी अब तक ऑपरेट किए जा रहे हैं। और अपने 83 Mk-1 के ऑर्डर भी तब दिए हैं जब ज्यादातर चीजें रेक्टिफाई हो गई हैं Mk-1 से, और अभी भी जो ऑर्डर का नंबर है वो पर्याप्त आप नहीं कहोगे प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए। और बात यहीं पे नहीं रुकी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में जिसके अंतर्गत आप 83 प्रोक्योर कर रहे हो तेजस Mk-1 को, तो वहाँ पे भी आपने जो डिलीवरी टाइमलाइन दी है, जिसके बाद जो पेनल्टी है मैन्युफैक्चरर्स पे वो आएगी, वो आपने ऑलमोस्ट 2030 तक की उनको दी है, जो कि लॉजिकली आपको कम रखना चाहिए था, मैक्सिमम 2028 तक का रखना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी गलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ही है, क्योंकि यहाँ पे जो PSU है वो MOD की है। इस इंसिडेंट के बाद लॉजिकली जो भी MiG-21s हैं वो ग्राउंडेड हो जाने चाहिए और तेजस के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाकर जो रिप्लेसमेंट है वो करना चाहिए। यहाँ पे IAF को तेजस का जो फॉलो अप ऑर्डर है वो जल्द देके जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ाना चाहिए HAL से, क्योंकि आप बुरे से बुरे टाइम में भी तेजस को MiG-21 से ऊपर ही रखोगे हर तरह के कॉम्बैट डोमेन में। तो इस तरह की चीजें बार बार होता हुआ देख के ऐसा लगता है कि इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशनल फोर्स नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप बजट की ही बात करते हो तो कुछ खास कंस्ट्रेन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से जो एडिशनल तेजस हैं उनको आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि लॉजिकली एटलीस्ट जो 60 तेजस हैं Mk-1 के, वो तो आपको ऑर्डर करने ही चाहिए थे। सो यहाँ पे विडंबना ये है कि आपने एक ऐसे फाइटर जेट को बैठाया हुआ है जिसका जो क्रैश रिकॉर्ड है वो एक भी नहीं अब तक, और एक ऐसे फाइटर जेट पे आप ट्रस्ट कर रहे हो जो कि कब क्रैश हो जाए आपको ही नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ी आप विडंबना कहोगे इंडियन एयरफोर्स की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।